हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक वास। वो बनाएंगे हम पीवीसी पाइप की हेल्प से। सो, मेरे घर में ये पाइप रखा हुआ था तो मैंने इसी का यूज़ किया है और आगे हम देखते हैं कि इसे किस प्रकार से हम क्रिएट कर सकते हैं। सो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है वाइट ग्लू प्लस वाटर। तो मैंने इन दोनों का मिक्सचर बना लिया है और इसके बाद हम इस पाइप में इसकी फर्स्ट लेयर को अप्लाई करेंगे पेपर के कुछ टुकड़ों की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले पेपर की हेल्प से अप्लाई किया है फर्स्ट लेयर, ताकि जब मैं इसमें आगे वर्क करूँ तो जो भी मैं काम करूँगी उसमें एक स्मूथ सरफेस बनने पाए। इसलिए मैंने यहाँ पे कागज़ की हेल्प से इसकी फर्स्ट लेयर को कंप्लीट किया। तो इसे आप 3 to 4 times कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे इसे 3 to 4 times ग्लू की हेल्प से लगाया है। तो देखिए मैं कैसे 1 by 1 इसे लगाते जा रही हूँ, तो आपको भी वैसे ही इसे लगाना है। थोड़ा सा मैसी हो जाता है लेकिन आपको बाद में ये बनकर बहुत ही अच्छा दिखाई देने वाला है। सो, फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी अगर पीवीसी पाइप है तो आप प्लीज़ उसे फेंकिए ना, और उसका एक आप बहुत ही प्यारा सा वॉज बना सकते हैं। तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है 3 to 4 layers, देखते हैं। इसे अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स, हमें इसे ड्राई होने के लिए रखना है कुछ देर के लिए। ड्राई होने के कुछ देर बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी वाइट सीमेंट का। तो मैंने यहाँ पे वाइट सीमेंट का मिक्सचर बना लिया है, वाइट सीमेंट प्लस वाटर। अब मैं इसे ड्राई होने के बाद इस पाइप के ऊपर लगाते जा रही हूँ। जैसे आपने पेपर की लेयर को 3 to 4 times अप्लाई किया था, उसी प्रकार हमें इसे बहुत ही अच्छे से सरफेस को तैयार कर लेना है। इसके बाद फर्स्ट लेयर इसकी वाइट सीमेंट की अप्लाई करने के बाद इसे भी 3 to 4 times आप अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। देख लीजिए कि थोड़ा सा ये थिक होने पाए, और ताकि जब हम इसे रब करें तो ये बहुत ही अच्छे से एक सरफेस में कन्वर्ट हो जाए, एक स्मूथ सरफेस पे कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे इसे लगा रही वाइट सीमेंट को, और मैं इसे और भी ज़्यादा अप्लाई करूँ। 3 to 4 times तक मैंने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद फिर से मैंने इसे ड्राई होने के लिए रख दिया, और ड्राई होने के बाद से फिर से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो आपको भी सेम प्रोसेस इसकी अप्लाई करते जाना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, और इसके बाद ही हम आगे का वर्क देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इस प्रकार हमने इसको किस तरह से डेकोरेट किया है। इतना वर्क कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स, इस पाइप पर हम बनाएंगे एक पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न जो आपने बहुत देखा होगा, और बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है जो हमें गमलों में मिलता है। बेसिकली हमने सबसे ज़्यादा इस पैटर्न को गमलों में देखा है। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़े अमाउंट में वाइट सीमेंट ले रही हूँ और उसको पाइप के ऊपर एडजस्ट करते हुए जा रही हूँ, और इसे मैं अपने हाथ से ही एडजस्ट कर रही हूँ। और इसे आप देख लीजिए कि आपको किस तरह से एडजस्ट करना है, या फिर अगर आपको और कोई दूसरा पैटर्न बनाना हो तो आप बना सकते हैं। बट मुझे रिसेंटली यही पैटर्न याद आ रहा था तो मैंने यही पैटर्न बना दिया। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा कि पैटर्न आपको कैसा लगा। ये ड्राई होने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। जिस प्रकार से गमलों में हम देखते हैं, उसी प्रकार से ये यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, इतना होने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा गैप देकर इन पैटर्न्स को इस पाइप पर लगा दिया है, और इतना होने के बाद मैंने इसे ड्राई होने के लिए रख दिया है। और देखते हैं अब किस प्रकार से मैं इसे कंप्लीट करते हुए जा रही हूँ। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। इस तरह से ड्राई होने के बाद काफी अच्छा लगता है ये। देखिए इस प्रकार से ये ड्राई हो चुका है। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप है, इसे हम रब करेंगे। आप वाटर पेपर ले लीजिए या सैंड पेपर ले लीजिए, इसे रैग मार्क भी कहते हैं। तो इसकी हेल्प से आपको बहुत ही स्मूथ, इसकी जो अभी जो आपको एक रफ सरफेस नज़र आ रही होगी, लेकिन हम इसे सैंड पेपर की हेल्प से जब रब करेंगे तो इसकी सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाएगी। तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आने वाला है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर आपको ये वर्क करते हुए जाना है। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितना स्मूथ हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें
थोड़ा डेकोरेशन करना है, आपको जैसा भी करना है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैंने इसे एक्रेलिक कलर की हेल्प से किया है। सो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक कलर लिया है, तो मैं इसके हाफ़ सरफेस पे ब्लैक कलर से इसे कलर करूँगी और इसके नेक्स्ट हाफ़ सरफेस पर मैं इसे ब्लू कलर से कलर करूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं पूरा ब्लैक करूँ, बट फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे हाफ़ हाफ़ करके करना है कलर। और इसके बेस के लिए मैंने यहाँ पे इस प्रकार का एक कवर रखा हुआ था किसी कंटेनर का, तो मैंने वो कवर ले लिया है ताकि मैं इसके बेस पर इसको रख सकूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने हाफ़ हाफ़ करके कलर्स यहाँ पर कर दिए हैं। अब मैं इस पर इसे कलर को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए और भी शाइनिंग देने के लिए मैं यहाँ पे वॉर्निश का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अब जब वॉर्निश का यूज़ करते हैं तो जो आपने जो कलर किया हुआ है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है और उस पर एक शाइन आ जाती है। सो फ्रेंड, वॉर्निश करने के बाद मैंने इन दोनों को ड्राई होने के लिए रख दिया है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और इसके बाद हम इसके ऊपर डेक्योर कर सकें। आपके पास जो है स्टोन हो, चाहे बीट्स या पर्ल हो, उसकी हेल्प से आप इसमें डेकोर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें शाइनिंग आ चुकी है। फ्रेंड्स, अब मेरे पास कुछ यहाँ पर स्टोन्स रखे हुए थे और कुछ यहाँ पर बीट्स रखे हुए थे, कुछ बटन्स रखी हुई थी, तो मैंने उसकी हेल्प से ही इसे यहाँ पर लगा दिया है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा कैमरा ऑफ हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने ये सारा वर्क कर लिया था और उसके बाद ही मैंने ध्यान दिया, तो प्लीज़ फॉरगेट इट। नेक्स्ट स्टे पे मेरी लेस लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, और ये सब कुछ मैंने ख़रीदा नहीं है, ये सब कुछ मेरे पास रखा हुआ था। जो आप इस फ्लावर में बीच में देखेंगे वो मेरे सूट की कुछ बटन्स रखी हुई है, और ये जो मैं लेस लगा रही हूँ ये मेरे दुपट्टा एक रखा हुआ था जिसको मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ, तो उस दुपट्टे में बहुत ही प्यारी लेस लगी हुई थी, तो मैंने उसको निकाल लिया है और उसका रीयूज़ कर लिया है। तो फ्रेंड, आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। और ये कुछ यहाँ पर मैंने मिरर जैसे लिए हैं कुछ, लेकिन ये मिरर नहीं है, मैंने इसे बनाया है सीडी की हेल्प से। मेरे पास कुछ ओल्ड सीडीज़ रखी हुई थी तो मैंने उसी को कट कर लिया है, जो शेप मुझे चाहिए था मैंने अपने अकॉर्डिंग उसे कट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो देखना है कि सीडी को किस प्रकार से आप कट कर सकते हैं और उसका रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपके लिए ये वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि सीडी को किस प्रकार से हम किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे मैंने जब सिंगल लेयर इसके बॉटम में लगाया तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक और लेयर लगा दिया लेस की। तो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ इस वॉस के टॉप पर सीधी के जो हमने शेप्स बनाए उसका यूज़ करेंगे वन बाय वन, आपको लगाते हुए जाना है। मैंने इसे एक ट्रायंगल के फॉर्म में काटा है, और अगर आपको जैसा भी आप अपने अकॉर्डिंग इसे राउंड शेप में कट करना चाहते हैं राउंड शेप में कट कर सकते हैं, ट्रायंगल शेप में कट करना चाहते हैं ट्रायंगल शेप में कट कर सकते हैं, हेक्सागोनल शेप में कट कर सकते हैं, आपको जैसा भी चाहिए आप इसे सीधी को कट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे इसे लगाते हुए जा रही हूँ। इस प्रकार से ही हमारा एक वॉस बनकर तैयार हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, और आप इसे होम डेक्योर के लिए अब रख सकते हैं। ये रेडी हो चुका है होम डेक्योर के लिए। अब यहाँ पर आप इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर या फिर आप इसमें फ्रेश फ्लावर भी रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ बताइएगा मुझे कि ये आपको कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। और प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा कि जब आप इसे बनाएं तो ये किस तरह से बना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।